हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। ठीक है, आप देखो मैंने राइट किया है शॉर्टकट्स ऑफ MS Excel। MS Excel की आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सीखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला शॉर्टकट हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे सीखने वाले हैं तो देख लो। और मैंने कुछ यहाँ पे राइट किया है आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है विच सिंबल स्टार्ट विथ फार्मूला और फंक्शन। कह रहा है कि कौन से सिंबल के साथ आप फार्मूला या फंक्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करते हो। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे सिंबल इक्वल साइन और सिंबल प्लस, आप क्या डिफाइन करोगे इसमें से। ठीक है, कौन सा सिंबल यूज करते होंगे आप यहाँ पे कोई भी एडिशन करने के लिए, कोई भी सब्ट्रैक्शन करने के लिए, कोई भी फार्मूला या फंक्शन का यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, प्लस यूज करते हो या फिर आप इक्वल साइन का यूज करते हो। ठीक है, तो आपका तो मोस्टली जवाब क्या होना चाहिए था कि हम लोग कौन सा यहाँ पे कीज यूज करते हैं, इक्वल साइन यूज करते हैं ना। देखो मैंने इक्वल साइन यहाँ पे लगाया भी है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फंक्शन हो या फिर क्या होगा आपका फार्मूला होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का कोई भी फंक्शन या फार्मूला आप बराबर के चिन्ह के साथ यहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इक्वल साइन के उपयोग से ही हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो आप चाहो तो प्लस के साथ भी यह उपयोग आप कर सकते हो, यानी कि प्लस के साथ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन या किसी भी प्रकार का फार्मूला आप ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो तो प्लस का उपयोग करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इक्वल साइन के उपयोग से भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, यह बात कितना सही है आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो आइए आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि हम लोग इक्वल साइन से इस नंबरों का पहले कोई भी एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैंने नंबर राइट किया है, आप देख सकते हो। सिंपल का मैं इसे फंक्शन यूज करूँगा सम, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट और पहला दूसरा तीसरा नंबर यूज कर दूंगा, प्लस लिखूँगा और देन इस पर क्लिक करके प्लस राइट करता हूँ और अगेन यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब ये तीन नंबर का एडिशन यानी कि सम का फंक्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और कौन से सिंबल के साथ मैंने ये फार्मूला राइट किया है, इक्वल साइन के साथ। अगर मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट मुझे प्राप्त होगा, समझ रहे कि नहीं। रिजल्ट हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना इनका एडिशन आना चाहिए उतना ही मिल जाएगा, 78 मिल चुका है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। लेकिन क्या केवल हम लोग इक्वल साइन के साथ ही इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्या हम प्लस के साथ ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं? तो ये कहना बिल्कुल गलत है, हम लोग चाहेंगे तो इसे प्लस के साथ भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से आपने उन संख्याओं को जोड़ने के लिए इक्वल साइन का उपयोग किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे इन सारे नंबर को ऐड करने के लिए, चाहे कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, आप प्लस सिंबल का उपयोग कर सकते हो। सो मैं प्लस को यहाँ पे लगा दिया हूँ, देख सकते हो, और मैं फंक्शन लिखता हूँ SVM। आप देखो कितना अच्छे तरीके से फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, प्लस के साथ भी फंक्शन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि हम लोग इक्वल साइन के साथ लिखते थे केवल, तो प्लस यूज किया फिर सम लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर मुझे डालना है उस सेल का एड्रेसिंग, देन यहाँ पे प्लस का साइन, अगेन नेक्स्ट सेल का एड्रेस, फिर यहाँ पे प्लस का साइन और अगेन सेल का एड्रेस। देखो तो ये तीनों नंबर को मैंने यहाँ पे प्लस के साइन के माध्यम से यहाँ पे लगा दिया है, और देख सकते हो कि मैंने सम फार्मूला के साथ यहाँ पे इक्वल का भी उपयोग नहीं किया है, मैं बराबर का चिन्ह का उपयोग नहीं किया हूँ, मैं कौन सा ऑपरेटर यूज किया हूँ, प्लस के साथ। अभी मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो इजिली इसका आंसर 38 आया, इन सभी का जोड़ कितना आ गया, 38 आया। और कौन सा मैंने यहाँ पे देख सकते हो यूज किया है, प्लस का साइन मैंने क्या किया था, यूज किया था। लेकिन इक्वल साइन देख सकते हो ऐटोमेटिकली इसके साथ क्या हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है, मतलब मैंने राइट तो नहीं किया था लेकिन प्लस के साथ इक्वल साइन ऐड हो चुका है। अच्छा, आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी फंक्शन का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा। अगर मैं इनका पावर निकालना चाहता हूँ तो इक्वल साइन यहाँ पे यूज करूँगा और लिखूँगा ऐसे पावर ब्रेकर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वल साइन यूज कर सकते हैं, इसके लिए प्लस का साइन भी तो यूज किया जा सकता है ना।
तो मैं पहले प्लस का साइन लीड कर देता हूँ और लिखूँगा पावर, पहला नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉमा डाल के सेकेंड नंबर कर दूंगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा आंसर, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो क्या देखा आपने यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में मैंने आपको कुछ नया ही बताया, ठीक है। नया क्या बताया कि आप इक्वल के साथ तो कोई भी कैलकुलेशन आप करते ही थे, आप क्या हो तो प्लस के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। सो आई होप आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक जो था वो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो इक्वल साइन से ही आप या बराबर के चिन्ह के साथ ही आप एक्सेल में फार्मूला कभी यूज करते थे, कभी आप प्लस के साथ यूज नहीं करते थे, लेकिन अब आपको पता लग गया होगा कि आप प्लस के साथ भी आप फार्मूला का यूज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो आइए देखते हैं अगला शॉर्टकट्स के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, अगला टॉपिक मेरे पास यहाँ पे है, क्या लिखा गया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए इंसर्ट आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पे मैं प्लस का साइन यूज करूँ क्या सम का, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर नाम का फंक्शन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पावर नाम का फंक्शन यूज किया और यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट में क्या दे रहा है, यहाँ पे नंबर और पावर, उसी चीज़ को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल को दबाओ, शिफ्ट को दबाओ और केवल ए को प्रेस कर दीजिएगा एक बार केवल, ओके। देखो आप यहाँ पे अगर आप बराबर का चिन्ह यहाँ पे या प्लस का साइन यूज करके अगर आप पावर राइट करते हो आप यहाँ पे ब्रैकेट को करते हो स्टार्ट, तो आप देखोगे कि नीचे यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, नंबर और पावर, बस उसी को इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ से और कंट्रोल शिफ्ट दबा के केवल ए दबा देना, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे जो होगा नंबर और पावर आपको मिल गया, मतलब यहाँ पे नंबर डालो और यहाँ पे पावर डालो। तो मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया था, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के ए, तो मान लो मैंने यहाँ पे नंबर 3 डाल दिया और इसका पावर कर देता हूँ 2, यानी कि 3 का पावर 2 कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 3 का पावर 2 यहाँ पे कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर का फंक्शन यूज हो जाएगा और 3 का पावर 2 का क्या आंसर आ जाएगा, 9 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 9 आया कि नहीं आया, तो कोई भी फंक्शन आप जैसे आप राइट करते हो, जैसे इक्वल साइन डाला और मैंने सम डाला, ब्रेकेट को करेंगे स्टार्ट, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के ए जो यहाँ पे राइट किया गया है, अगर इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो क्या आर्ग्यूमेंट मुझे आगे राइट करना है, ठीक है, या उसका मुझे ए पता लग जाता है कि मुझे आगे क्या लिखना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट दबा के ए दबाया, देखो जैसे ही क्लिक किया तो इसने बताया कि नंबर 1 डालो, नंबर 2 डालो, मतलब जो भी आपको ऐड करना है उन नंबरों को कॉमा के साथ क्या करो, सेपरेट कर दो, इन चीज़ को हटा के आप यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे डाल दो और ये डॉटेड दिया तो मतलब मोर टाइम आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो जस्ट एंटर मारूंगा तो सम नाम का फंक्शन काम कर गया इस तरीके से। अगर इसी तरीके से मैं कोई और फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट का उपयोग करता हूँ, SQRT राइट कर देता हूँ, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा, तो देखो कि नंबर ही पुट करने के लिए बोला, जो नंबर डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे 16 डाल दिया तो 16 का वर्ग अगर निकालेगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 4, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट ए का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का, ठीक। इसी तरीके से अगला फंक्शन देखोगे तो ऑटो सम का फंक्शन है। ऑटो सम क्या करता है, इन सभी संख्याओं को ऐसे जस्ट सेलेक्ट ही करोगे और अल्ट दबा के बराबर का चिन्ह प्रेस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली सम आपका इसका निकल जाएगा। तो मैंने अल्ट को प्रेस कर दिया है, अब एक बार केवल बराबर के चिन्ह को यहाँ पे दबाता हूँ, आप देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने दबाया तो 145 यहाँ पे इनका रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। सो आई होप ये भी शॉर्टकट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा और नेक्स्ट शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगला दिया है हाइट कॉलम के लिए, क्या दिया है यहाँ पे, हाइट कॉलम। सपोज दैट कि आप कॉलम को हाइट करना चाहते हो आप यहाँ पे, तो देखो कॉलम को हाइट करने की शॉर्टकट मैंने राइट किया है Ctrl+0, ठीक है, हाइट कॉलम, और अनहाइट करने के लिए Alt+H+O+U+ क्या होगा, L होगा। तो लीजिए मैं सबसे पहले इन दोनों कॉलम को क्या करता हूँ, हाइट कर देता हूँ जो ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया और जस्ट मैं यहाँ पे Ctrl+0 को प्रेस कर देता हूँ। जैसे प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि ए के बाद डायरेक्टली यहाँ पे डी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बी और सी दोनों जो कॉलम है वो हाइड है। अब मुझे इन्हें वापस लाना है तो क्या शॉर्टकट यूज करना है, वो शॉर्टकट मैंने नीचे यहाँ पे राइट किया, ये देखो Alt+H+O+U, Ctrl+A कर लो इस तरीके से और फिर इस बटन को दबा के देखो, अल्ट को दबाओ, एच को दबा दो, फिर इसके बाद आप ओ को प्रेस कर दो एक बार और इसके बाद यू को प्रेस कर दो और एल को प्रेस कर दीजिएगा केवल यहाँ पे। जैसे ही आपने प्रेस किया आप देखो यहाँ पे
कि वो जो भी कॉलम आपने हाइड किया था बी एंड सी नाम का कॉलम, ये आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो हाइड करने का तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस जीरो, और उसे अनहाइड करने का तरीका है अल्ट एच प्लस ओ प्लस यू प्लस क्या एल। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। आगे दे रखा है हाइड रोज, क्या करने के लिए रो को हाइड करना है। तो रो देखो मैंने कुछ नीचे यहाँ पे डेटा राइट किया है, आप देख लो यहाँ पे, सपोज दैट कि मुझे 19 से लेकर 21 तक की सारी रो को हाइड करना है। तो सिंपल मेरे पास जो हाइड करने का यहाँ पे शॉर्टकट है वो कंट्रोल क्या होता है 9 होता है। कंट्रोल 9 का मतलब क्या, अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल बटन को दबा दो और 9 को दबा दो। जैसे ही मैंने कंट्रोल बटन के साथ 9 को दबाया, आप देखोगे कि यहाँ पे रो हाइड हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे 18 के बाद रो क्या दिख रहा है आपको, 22 आ रहा है, बीच वाला क्या हो गया, हाइड हो गया इसमें। अगर रो को आप अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के आपको कंट्रोल ए कर लेना है सबसे पहले, यानी कि ऑल सेलेक्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के 9 बटन को दबा दीजिएगा, तो सारा सारा रो आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल को दबाया, शिफ्ट को दबा के 9 बटन को यहाँ पे प्रेस कर दे रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे ये अनहाइड हो गया, डेटा आपको दोबारा से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज इस वीडियो में जो भी कुछ मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।